हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बगीचे में सेब दिखा रहा हूँ कि फसल कैसी है, लेकिन साइज इतना छोटा है कि पूछो ही मत। आप यहाँ पे सीजन शुरू होगा सितंबर के महीने में, रास्ता खराब। और दूर तक धुंध छाई हुई है और बरसात इतनी है कि आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से छलबल कर रहा है। आप आवाज सुन सकते हो पानी की। और कितना प्यारा व्यू, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप देखें। और बरसात में मौसम कैसा है, और दोस्तों रोड के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। मैं आपको व्यू दिखाना चाह रहा हूँ मुराल डंडा का, लेकिन यहाँ पे धुंध छाई है और धुंध के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं एक सीरीज भेजूंगा यहाँ की मुराल डंडा की, आप कृपया उसे अवश्य देखें। कौन सो है? फाटपुर छोटू है, फाटपुर और फाटू शीशा ही बिल्कुल और छोटू है। शिकायत हुई तो कहते हुए राम बड़ी मौसी शिक्षा आप थोड़े सुनो जोड़ो चलो 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 जी बाबा, सॉरी अभी तो जाओ जाओ ही नहीं शुरू खराब हो मास्क रहा बड़ा अच्छा हो क्या रोड़ी कंडीशन खराब इस रोड की। तो टोकरी खराब नहीं गाड़ी
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अगर छोटी गाड़ी लेके इस रोड में आते तो आप सेफ नहीं है, क्योंकि गाड़ी कभी भी नीचे बजती है, आगे से पीछे से बम्पर बुरे हालात है। यहाँ के स्थानीय लोगों को तो अभ्यास है गाड़ी चलाने का, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस रोड में जाता है तो दोस्तों मैं तो ये कहूँगा कि आप गाड़ी को ना ले जाए। अगर आपके पास SUV है कोई भी गाड़ी तो आप इस रोड में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस रोड में जाने का रिस्क ना लें, खासकर जब मॉनसून हो। तो दोस्तों आप वीडियो मेरे साथ बने रहे, मैं आपको कुछ आगे और स्पेशल दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आप बने रहिएगा वीडियो में। मैं उतर हूँ इस टाइम हाटू के नज़दीक, और ये जो पत्ते हैं इसके धिंधड़े बनते हैं, और ये पत्ता हमारे इलाके में नहीं मिलता, एक कहीं कहीं मिलते हैं। उसके जो धिंधड़े होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही बेहतर होते हैं दोस्तों। तो मैं इसे तोड़ रहा हूँ, और देखते हूँ आगे कहीं और मिलते हैं दोस्तों। ये पत्ते जो है यहाँ पे मिलते हैं इन जंगलों के बीच, और यहाँ भी पत्ते ढूंढ रहे मेरे ताई और माता जी धिंधड़े के लिए। इनने कहा कि धिंधड़े खाने में पत्तों के, तो मैं गाड़ी खड़ी करी है ऊपर को और मैं नीचे गया हूँ जंगल की ओर, और यहाँ थोड़ी पत्तियाँ बड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी पत्तियाँ हैं। अभी तो बरसात में है, थोड़े इसके बाद ही काफ़ी बड़े हो जाएंगे पत्ते। काफ़ी बड़ी पत्तियाँ हैं, काफ़ी बड़ी, देखो दोस्तों पहचान लो इन पत्तों को, कभी अगर आप भी ढूंढे तो ये पहचान कर सकते। तीन पत्तियाँ होती हैं, जो पांच वाली होती है वो धिंधड़े के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रकृति में हमें वो चीज़ें मिलती है जो पलेन में नहीं मिल सकती, तो प्रकृति में हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो ये वाला पत्ता है ये धिंधड़े के लिए उपयुक्त नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, ध्यान रख इस बात का। अगर कभी मेरी वीडियो को याद देख के आप ढूंढे तो इन पत्तियों को ना उठाए, सिर्फ इन पत्ती को उठाए जिसमें तीन पत्ती हो। चलो बता बे भरी, ओ भरी होगा काफी है बे। चलो चलो बे, चलो भरी हो बे। हम मैं पहाड़ी भाषा में बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो अब काफ़ी हो गए, और यहीं सात ऊपर को रोड है, गाड़ी भी आप देख सकते हैं, गाड़ी मेरी इस टाइम रोड में लगी है यहाँ पे। इसके साथ लोग ने खिलवाड़ करते हैं दोस्तों, देखो कितनी गंदगी फेंकी, टूरिस्ट आता है
और कहा कहीं फेंकते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते इससे कितना पोल्यूशन फैलता है, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा जो पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं हाथियों के लिए, नरगंडा के लिए, कृपया जंगल में गंदगी ना फैलाए। इससे हमारे पर्यावरण में कितना फर्क पड़ता है वो आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, अब मैं सड़क पर पहुंच रहा हूं और जो मेरा बैग था पत्तों का, मैंने भर के पूरा ले लिया है। और मेरी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। हाँ, उससे पहले मैं आपको यहां से दिखा देता हूं जो रास्ता हाटू के लिए जाता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ।